सर आप करने वाली है? अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको यूएल से क्रिएट करते हैं। उसमें भी लिस्ट एलिमेंट्स एल आई आते हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, ये बस याद रखें कि जो भी लिस्ट का एक एलिमेंट है उसको एल आई से ओपन करके फॉरवर्ड स्लैश एल आई के ऊपर क्लोज भी कर दें। ठीक है, तो जब आप इसकी एग्जाम्पल को रन करके देखेंगे तो इसमें, अच्छा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बाई डिफॉल्ट जब आप ऑर्डर लिस्ट देते हैं तो वो 1 2 3 4 देता है, ए बी सी डी नहीं देता। इसको भी हम देखेंगे कि आगे हम इसको, इसकी स्टाइलिंग करके इसको ए बी सी डी या रोमन में किस तरीके से दे सकते हैं ऑर्डर को। और अनऑर्डर्ड के अंदर ये बाय डिफॉल्ट राउंड एक बुलेट दे देगा। ठीक है, तो जब तक आप इसकी सी एस एस डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके की लिस्ट क्रिएट करता है। सर आपकी सर आपकी आवाज़ आवाज़ स्लो फिर नहीं आ रही जाती थी। है। सर जैसे पिछली क्लास में हो रहा था ना, हर 2 2 मिनट बाद आवाज़ कम आ रही थी, फिर तेज़ आ रही थी, वही हो रहा है। अभी आ रही है? अच्छा, यस सर अभी आ रही है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको और सेट कर लेता हूँ माइक को। अच्छा, ये हमने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको उसमें, अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट थी तो उसके अंदर एक्सक्यूज कोई मी रेसिपी गिवन सर, थी? जी सर अटेंडेंस लगाया ना, मैंने 855 पे आया था तो मैंने शायद अटेंडेंस लगवाई। आप अटेंडेंस लगा दें ये मेरी इस कौन, सेशन सर। वो फ्रान इरफान बोल रहे हैं? चलें, ठीक है। नेट इशू था सर। सर ऑर्डर लिस्ट में आप आपने कहा था कि छः छः मतलब वो बनेंगे एल आई के, वो बनेंगे तो सातवां बन सकता है उसमें बिल्कुल, या? छः ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितनी आप लिस्ट के एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे उतने बन जाएंगे। या आपने, सर आपने कहा था कि सातवें के लिए दूसरा जो है ना ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। नहीं, 1 मिनट, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं, ये छठा है, अब ये देखें, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो क्या होना चाहिए? ये सिर्फ एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, जी सर। इस तरीके से ये सब डाल दिए मैंने तो ये 6 के 6 आ गए। मैंने इसी के अंदर, अगर इसी एक ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि इस ओवल टैग क्लोजिंग से पहले पहले ही इसके अंदर ही ये मैं 6 और डाल दूंगा तो ये 12 आ जाएंगे। जितने डालना चाहूँ मैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर एक दफ़ा ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर दी मैंने यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो ये लिस्ट ख़त्म हो गई, इसकी नंबरिंग यहाँ पे खत्म। अच्छा ठीक है अगर सर। मैं इसके बाद कोई ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा ये तो मैं, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट इनफाइनाइट 10,000 डाल दूँ, 2,000 डाल दूँ, तो वो सारे उसी के अंदर 2,000 तक की नंबरिंग आएगी। लेकिन एक दफ़ा इस ऑर्डर लिस्ट से बाहर निकल आया और दूसरी लिस्ट क्रिएट की तो फिर वो नंबरिंग उसकी पुरानी वाली नहीं रहेगी, वो ये देखें फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये ओके है, सर। कोई उसमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि आप इतनी डालेंगे तो। ठीक है सर।
सर आवाज स्लो हो गई है सर, आपकी आवाज। हाँ मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी। आवाज जो है वो आपको जब आएगी ना, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा ये आवाज का क्या इशू है, क्यों नहीं आ रही आवाज आप लोगों को? आवाज अभी आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ अच्छा अच्छा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट की तो इसके अंदर इसने एक मिनट, ये देखिए ये नंबरिंग गायब हो गई है और नंबरिंग की वजह इन्होंने इसके अंदर ये बुलेट्स आ गई, इसको बुलेट्स कह रहे होते हैं ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई। अच्छा इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट तो क्रिएट हो गई और ऑर्डर्ड भी हमने देख ली कि उसमें नंबरिंग आ रही है, इसमें बुलेट्स आ रही हैं, फिर डेफिनेशन लिस्ट आई। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट हमने डिस्कस की थी कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास एक डीटी यानी कि डेफिनेशन टर्म होती है और डेफिनेशन इटसेल्फ होती है। तो जैसे हम ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये डिफाइन कर रहे थे यूएल, इस तरीके से हम डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डीएल डिफाइन करेंगे। डीएल के अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो एक डेफिनेशन के अंदर आ रही होंगी ठीक है, एक डेफिनेशन की लिस्ट के अंदर आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम एक डीएल के टैग्स के अंदर काम करते हैं ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन हमारे पास वो सारी हम डेफिनेशन लिस्ट यानी कि डीएल के टैग के अंदर देते हैं। फिर जितनी भी डेफिनेशन की टर्म होंगी यानी एक डेफिनेशन है उसकी ऊपर हेडिंग्स जो इसकी हैं, टर्म्स जो इसकी हैं, जैसे कि ये अगर डेफिनेशन लिखी हुई है एक ठीक है, तो इसकी ये डी टी जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी डेफिनेशन टर्म, डी टी को डिफाइन कर रहे हैं। हेडिंग क्या है इसकी? डी टी। डेफिनेशन टर्म जो है वो डी टी मतलब डेफिनेशन टर्म, तो वो हमारे पास एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो हम ये डी टी जो है वो उसके अंदर देंगे, भाई डी टी हमारा ये है ठीक है, और एक डी टी के अंदर हम कोई भी उसकी हेडिंग दे देंगे भाई ठीक है। और डी डी जो है वो डेफिनेशन इटसेल्फ है, if this is used to contain the definition, sometimes you might see a list where there are two terms used for the same definition theek hai, do term ho sakti hain ek definition ke liye aur two different definitions for the same term, do definitions ho sakti hain aur term ek hi hai uski, to ye cheez aap log dekhen, iske bhi hum with example dekhte hain। अच्छा ये आप देखेंगे कि ये एक डेफिनेशन, सर आपकी आवाज फिर बिल्कुल स्लो हो गई है। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कैसे आएगी आपको जब मैं बोल ही नहीं रहा, आवाज कैसे आएगी आपको? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कैसे आएगी जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ? बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट जो है ना उसके अंदर ये देखें, हमने एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की है ठीक है, और डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसके अंदर एक डेफिनेशन टर्म है, उस डेफिनेशन टर्म की एक डेफिनेशन इटसेल्फ है ठीक है डीडी, फिर एक डेफिनेशन टर्म है उसके नीचे दो डीडी है, यानी कि इस स्केल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है। तो सर आपने माइक्रोफोन सेटिंग में,
चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये किसने लिखा है चैट में, मोहम्मद अब्दुल्ला। माइक्रोफोन वॉल्यूम ऑटोमेटिक सेट किया हुआ होगा। अच्छा तो फिर मैं इसको ऑटो से हटा दूं, ऑटोमेटिक ऑफ कर दूं। ठीक है अच्छा अभी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर। ठीक है भाई, थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा अच्छा ये डेफिनेशन लिस्ट के अंदर एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो रही है, फिर उसके बाद एक डेफिनेशन टर्म है, ठीक है, और डेफिनेशन टर्म की एक डेफिनेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक डेफिनेशन टर्म के नीचे दो डेफिनेशन हैं, क्योंकि ये एक डी डी का टैग है, फिर सेकेंड डी डी का टैग है, फिर एक डेफिनेशन टर्म है कि इसकी ये हेडिंग है और उसके नीचे एक ही डेफिनेशन। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि डेफिनेशन हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि ये जो भी डेफिनेशन टर्म देगा, ये बीच इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि ये मार्जिन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। जैसे हम लास्ट लैब में मार्जिन क्रिएट कर रहे थे, वैसे ऑटोमेटिकली जब ये हम डेफिनेशन टर्म के नीचे एक डेफिनेशन देते हैं, डी डी के टैग देते हैं, तो डी डी के टैग को ये खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा सा इंडेंट कर देता है। अब ये जितनी हम डी डी देते जाएंगे, ये थोड़ा सा उनको मार्जिन के साथ रखेगा, ताकि पता लग जाए कि ये इसकी हेडिंग है डेफिनेशन की, ये डेफिनेशन टर्म है और ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन टर्म है, ये डेफिनेशन है। तो ये ऑटोमेटिकली जवाब, अगर मैं इसके नीचे एक और डी डी दे दूँ, ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी दो हेडिंग्स दे रहा हूँ, इसको ये भी कहते हैं और ये इसी भी कहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन टर्म, क्योंकि हमने एक दूसरी डिफाइन की है, तो ये यहाँ पे इसको ये कर देगा, ठीक है। इसको ये इसकी दो हेडिंग्स दे रहा है या दो डेफिनेशन टर्म्स दे रहा है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन दो हों, तो फिर मैं दो डी डी के टैग यूज़ कर लूँगा। तो ये दो डेफिनेशन हो जाएंगी एक टर्म के नीचे। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो डी टी यानी कि डेफिनेशन टर्म होती है, वो उसको पहले ऊपर शो करता है, और उसके नीचे जो हमने पेयर में उसके कोई भी एक या एक से ज्यादा डेफिनेशंस दी होती हैं डी डी के टैग के अंदर, उनको थोड़ा सा इंडेंट करके आगे मार्जिन देके ऑटोमेटिकली आगे दे शो कर देता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस देने का, ये मल्टीपल डेफिनेशंस हम जब लिखेंगे आगे, तो उनको देने का तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है डेफिनेशंस को डिफाइन करने का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली अभी तक कि तीनों टाइप्स हमने देख ली हैं लिस्ट की। एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको किस तरह, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ आ रही होती है उसमें, उसके मार्कर में क्या चीज़ आ रही होती है एक बोर्ड। और डेफिनेशन लिस्ट जो है वो किस तरीके से हमारे पास शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा इन तीन टाइप्स के बाद हमारे पास एक आती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम सारी लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम अनऑर्डर्ड पे भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पे भी कर सकते हैं, और डेफिनेशन लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो
नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि नेस्टेड लूप्स होते हैं, इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट भी होती है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या हो रहा होता है कि एक ही लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो रही है, उसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो इसको अभी हम आगे अभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है और उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूँ करके। ये मैं इंडेंट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि पहली चीज क्या यूज हो रही है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड हो रही है। ठीक है, एक ही अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर तीन लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, तीन लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ कर दें, तीन लिस्ट के एलिमेंट है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट सिंपल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे ये। लेकिन मैं ये कोई भी सपोज हमारे पास एक मेन्यू है कि हमारे पास माउसेस हैं, पेस्ट्रीज हैं, टार्ट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर नहीं है, पेस्ट्रीज के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो ताकि उसके अंदर पता लगे कि मेरे पास पेस्ट्री की क्या क्या टाइप। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट्री के अंदर जो एल आई को की लिस्ट को क्लोज करने से पहले मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, यू एल का टैग दूंगा और फिर वही तीन किस्म की और दे दी एल आई की, तो एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और ये थोड़ी सी पेस्ट्री से जाहिर है उनसे लिखें, तो ये पेस्ट्री से थोड़ा सा आगे, पेस्ट्री के बाद पेस्ट्री से थोड़ा सा आगे चेन यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये डिफरेंट मार्कर दे रहा है और यहाँ पे डिफरेंट, तो ये ऑटोमेटिकली जितनी आप नेस्टेड लिस्ट बनाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अच्छा, और उसके बाद जो ये ऑटोमेटिकली उनकी डिफरेंट बुलेट्स दे देगा, और फिर आखिरी वाली जो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाहर वाली लिस्ट है उसको वापस वही बुलेट देगा। तो ये इसका ऑटोमेटिक ये खुद ही करता है, ताकि इसको और इसको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो इसको इंडेंट कर देगा कि ये पेस्ट्रीज के बाद इंडेंट हो जाएगा कि ये पेस्ट्रीज से उनसे ले गए, और इसका ये बुलेट्स भी डिफरेंट टाइप की हो जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक और टाइप कर दूँ, किस चीज़ की, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हाँ बिल्कुल, अली ने पूछा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, ये चीज़ भी हम आगे कर रहे होंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप, चलें आपका ही सवाल मैं वो कर देता हूँ कि मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही ये लिस्ट का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, वो कैसे होगी, इसके अंदर ही ये क्या प्राइस के हिसाब से बना दी मैंने कि ये क्रॉसिफेंट जो है ये 100 रुपीज़ वाले भी हैं। ठीक है, टू हंड्रेड वाले भी हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है,
उसके अंदर एक लिस्ट का एलिमेंट ऐसा है अनऑर्डर्ड का जिसके अंदर एक हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है कि जिसकी ये तीन लिस्ट के एलिमेंट्स हैं एल आई तीन आपके, ठीक है। तो आप जब आप इसको यहाँ देखेंगे, ये देखें अनऑर्डर्ड होते होते जब इसके पार्ट है तो हमने इसको एक ऑर्डर में दे दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड डेफिनेशन लिस्ट के अंदर और नेस्टेड लिस्ट के अंदर, जैसे ही नेस्टेड लिस्ट हम अनऑर्डर्ड की बना रहे हैं वैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट की भी हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, चलें इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये एक अनऑर्डर्ड थी, अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दूँ, जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट अनऑर्डर्ड की बनाई थी वैसे ही नेस्टेड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 आ गया, ये भी 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आप लोग देखेंगे कि एक नई चीज़ है, वो है लिस्ट स्टाइल टाइप के। अब हमने जितनी लिस्ट की टाइप्स पढ़ी हैं ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड डेफिनेशन लिस्ट और उसके बाद नेस्टेड लिस्ट, अब इन लिस्ट की हम स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं। लिस्ट के अंदर बेसिकली है ही क्या, लिस्ट के आगे की जो चीज़ कंटेंट लिखा हुआ है और उसका ये जो जो भी बुलेट है या नंबर, तो उस बुलेट या नंबर की स्टाइलिंग हम कर रहे होंगे, ठीक है। उस नंबर की स्टाइलिंग हम किस तरीके से करेंगे, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप की, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हम ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट एलिमेंट सब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट पर करेंगे तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी हो जाएगी चेंज, ठीक है। अनऑर्डर्ड की करेंगे तो अनऑर्डर्ड के अंदर जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं सब, और अगर सिर्फ एल आई के ऊपर करेंगे तो सिर्फ लिस्ट एलिमेंट्स की होगी, ठीक है, जिनको हमने डिफाइन किया हुआ, जिन जिनकी कोई ना कोई लिस्ट एलिमेंट की क्लास हमने दी हुई है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप की हम प्रॉपर्टी देंगे और आगे वैल्यू हम ये चार दे सकते हैं, यानी कि नन दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आ रही होती है, डिस्क आ रही होती है, ठीक है। जो ये बुलेट है ये डिस्क आ रही, ये डिस्क कहलाती है, ठीक है। तो ये डिस्क आ रही होती है तो हम नन भी कर सकते हैं यानी कि भी कर सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर भी दे सकते हैं। इसको हम करके देख लेते हैं, हम अगर इसको इसको अनऑर्डर कर दें, यहाँ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और जो हमने लिस्ट की इसकी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी देखी है उसका क्या नाम है, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप हमने क्या दे दिया, सपोज सर्कल दे दिया, तो क्या होगा कि जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं यहाँ पे उसकी स्टाइल टाइप सर्कल हो जाएगी। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, हमने सी एस एस तो क्रिएट कर दी और लिंक नहीं किया है। सर्कल हो गई, इसी
तरीके से एक हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो आपकी ये सारी स्क्वायर हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो नन कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये आपके पास याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, ये आप जितनी भी अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट मल्टीपल क्रिएट करें अपनी साइट के अंदर, तो आप उस सब की जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना वो पहले से लिख के रख देते हैं, बस उसकी वैल्यूज़ में चेंज करते रहते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप कभी नम करना चाहें या कुछ करना चाहें तो ये आप कर देंगे तो ये इसकी गायब हो जाएंगी, ठीक है। ये आप लोगों के पास भी क्लास के जो मैसेज है वो लेट तो नहीं पहुंच रहे? जो क्लास हम कंडक्ट करने का एक मैसेज आपके पास पीएफ किट के नाम से आता होगा, ये आप लोगों के पास भी लेट आ रहा है या ऑन टाइम आ रहा है? सर अभी आया। सर लेट आता है। सर मेरे पास अभी अभी है। एसएमएस वहां पे फॉरवर्ड लेट हो जाता है। ठीक ठीक सर अभी अभी है, है ना। अच्छा इसका भी मसला हल करते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ ये आप लोगों के साथ साथ मेरे पास खुद भी आता है, तो ये मेरे पास भी अभी अभी आया है। अच्छा खैर, लिस्ट स्टाइल टाइप अगर हम नन कर देंगे तो ये गायब कर देगा, सर्कल कर देंगे तो सर्कल स्क्वायर में हमने देख लिया स्क्वायर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और सर मेरे पास तो आया ही नहीं है अगर वो आप अपने मैसेजेस डिलीट करें, कुछ आपकी मैसेज वाली मेमोरी फुल हो गई होगी इसलिए नहीं आया होगा। अच्छा उसके बाद जो है ना डिस्क अगर कर देंगे तो वही जो बाय डिफॉल्ट डिस्क हमारे पास आ रही होती है, स्क्वायर सर्कल और नन भी हमने देख लिया, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को कोई आईडी दे देता हूँ, इसकी क्लास दे देता हूँ, सपोज वन, आप कर सकते हैं कि आपने सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जितनी भी क्रिएट होगी सबकी एक बाय डिफॉल्ट तो लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो एक क्लास मैंने क्रिएट की है वन के नाम से, उसकी जितनी भी एलआई एलिमेंट्स हैं उनकी यूएल डॉट वन जो है उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप मैं सर्कल रख दूँ, ठीक है। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा इस तरीके से हमारे पास अनऑर्डर्ड के बाद ऑर्डर्ड आती है, तो ऑर्डर्ड में क्या है, ऑर्डर्ड में हम वही लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं, डेसिमल यानी कि 1, 2, 3 टिल इनफिनिट, ठीक है। इस तरीके से डेसिमल लीडिंग टू जीरो अगर हम दे देंगे तो वो 0, 1, 0, 2 करके दे देगा, और लोअर अल्फ़ाबेट है तो उसमें ये लोअर अल्फ़ाबेट्स, अपर में अपर अल्फ़ाबेट, लोअर रोमन में ये रोमन लैंग्वेज में दे देगा, फिर अपर रोमन में रोमन को ही कैपिटल कर देगा। इनको हम करके देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और लिस्ट स्टाइल टाइप हम जो है वो चेंज कर देते हैं फ्रॉम डेसिमल, तो इसमें ऑटोमेटिक होता है, फिर हम डेसिमल लीडिंग टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल डैश लीडिंग डैश जीरो करेंगे तो क्या होगा कि ये 1, 2, 3 जो आ रहा था ये 0, 1, 0, 2, 0, 3 आएगा, ठीक है।
छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये आपको देखनी पड़ती है। अच्छा ये डेसिमल आएगा लेकिन लीडिंग जीरो होगा, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0102 03। इस तरीके से हमारे पास एक एक तो डेसिमल है, एक डेसिमल लीडिंग टू जीरो है, फिर लोअर अल्फा है, लोअर अल्फा से क्या होगा, स्मॉल अल्फाबेट्स आएंगे ए बी सी डी लेकिन स्मॉल, ये देखें लोअर अल्फाबेट, ये ऑर्डर्ड के अंदर है, ठीक है, अनऑर्डर्ड के अंदर तो वो बुलेट्स दे रहा होता। फिर अपर अल्फा है, अपर अल्फा के अंदर अच्छा किसी एक लाइन पे आपने करना हो तो आप ये करें, ये लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट की ये एक सेकंड, ये पूछ रहे हैं अली सलाउद्दीन के एक लाइन के ऊपर किस तरह करेंगे, तो वही तरीका है कि एक टैग, जाहिर है हमने देखा हुआ है कि एक टैग एक बॉक्स होता है, तो हर टैग की आप अलग अलग भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इस एल आई के एक के ऊपर आप चाहें तो इसकी क्लास दे दें, ठीक है, क्लास दे दी आपने, कुछ भी दे दी, अब मैंने सपोज वन दे दी, लेकिन अब आप क्या करें, एल आई डॉट टाइप आपने दे दी लोअर अल्फा, ठीक है, और बाकी सबकी अपर अल्फा, ऑर्डर लिस्ट की बाकी सबकी अपर अल्फा, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये देखें ये सब उसने अपर अल्फाबेट में दे दिया, ठीक है, इसके भी एलिमेंट्स को जो सेकंड नेस्टेड लिस्ट थी उसको भी अपर अल्फा है, लेकिन सिर्फ इस वाले को लोअर अल्फाबेट दिया हुआ है, क्योंकि अली कि ये लिस्ट के एक एलिमेंट के ऊपर हम डिफरेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा, तो वो लिस्ट के एक एलिमेंट के ऊपर आप उसकी क्लास डिफाइन कर दें और उस क्लास को यहाँ पे कॉल करा दें। अब ये तो आपने कॉल करा दी, अब आप चाहें कि मैं कहीं और भी इसको कॉल कर लूँ, मैं यहाँ पे भी क्लास वन को कॉल कर सर आपकी आवाज स्लो हो गई फिर से। अच्छा फिर आवाज चली गई थी, एक मिनट। अच्छा ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, किसने पूछी थी, अली सलाउद्दीन ने पूछा था, तो अली आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हम अगर किसी एक एलिमेंट को करना चाहें तो किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास लिस्ट स्टाइल के अंदर हमने ये देख लिया कि हम लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी को बस आपने याद रखना है, जहाँ पे भी आप इंटरनल सीएसएस में एक्सटर्नल में या जहाँ पर भी ये चीज़ देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप दे देंगे, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये वैल्यूज हैं हमारे पास गिवन, ठीक है, नन डिस्क सर्कल स्क्वायर, और ऑर्डर्ड के लिए लिस्ट की ये है कि डेसिमल, डेसिमल लीडिंग टू जीरो, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन, अपर रोमन, ठीक है। लोअर रोमन कर दिया, ठीक है। एंड डिफ
हाँ, डेफिनेशन लिस्ट की भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर जब आप यही ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड अगर आप करना चाह रहे हैं तो बाहर आप ओएल का टैग यूज़ कर दें और उसके लिस्ट एलिमेंट्स के अंदर आप ये डेफिनेशन टर्म दे दें, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। मोस्टली ये हम कर नहीं रहे होते हैं, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो डेफिनेशन की भी जितनी हेडिंग्स हैं उनको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड कर देगा। लिस्ट स्टाइल इमेज है, तो लिस्ट स्टाइल इमेज में हमारे पास क्या होता है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी लिस्ट स्टाइल टाइप की, कि टाइप क्या होगी लिस्ट की। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट स्टाइल की इमेज, यानी कि हम ये और इसको अनऑर्डर्ड को हम ये बुलेट की जगह पे कोई इमेज भी दे सकते हैं, चाहे तो कोई लोगो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके लिए प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप थी, तो इसके लिए हमारे पास है लिस्ट स्टाइल इमेज की। ठीक है, तो ये आप अनऑर्डर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर है कोई इमेज का ऑर्डर तो होगा नहीं, लेकिन अनऑर्डर्ड के अंदर आप जैसे बुलेट दे रहे हैं वैसे आप ये चीज़ भी दे सकते हैं। दो तो इनके ऊपर मैं इन लिस्ट, ये दो हेडिंग्स हैं, उसके बाद नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट की, इनके साथ में कोई इमेज। ये लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इमेज और इसको डेस्कटॉप कोर्स फाइल्स, अच्छा जहाँ पे मेरी कोर्स फाइल्स हैं वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। मैं आपको दिखा भी दूँ ये किस नाम से है, ये है डाउनलोड डॉट png। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये तो मेरी सिंपल एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है दो हेडिंग्स के नीचे। अब ये इसकी जगह पे मैं इनकी बुलेट्स की जगह पे ये इमेज आएगी। इमेज कैसे आएगी, इमेज का नाम है हमारी डाउनलोड डॉट png, हम यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हमारा तरीका है करने का कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप यहाँ पे टैग देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, और उसकी लिस्ट हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिस्ट स्टाइल इमेज की, जैसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप थी वैसे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज है। ठीक है, उसके अंदर एक यूआरएल का फंक्शन आप देंगे कि हम यूआरएल दे रहे हैं, और उसके अंदर आप इस कॉलम्स के अंदर आप लोग ये नाम दे देंगे। ठीक है, ये कोटेशन के अंदर आप भी जो भी फाइल है जो भी इमेज है उसका नाम दे देंगे। फिर इन्होंने लिस्ट एलिमेंट्स, हर लिस्ट एलिमेंट के लिए